साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची। रोमांचक वर्षा बाधित मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराया। तबरेज शम्सी की शानदार गेंदबाजी, क्लासन की तूफानी पारी आई। नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 सुपर 8 का मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेज वेस्टइंडीज टीम के बीच खेला गया। लो स्कोरिंग रन सास रोक देने वाले मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम लड़कर 3 विकेट से यह मुकाबला हार गई। दोस्तों, वेस्टइंडीज की टीम पहले बैटिंग करते हुए लड़खड़ा गई। धीमी बैटिंग लगातार विकेट के अंतराल से 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 135 रन बना पाई थी। वेस्टइंडीज टीम की ओर से निकोलस पुरन 42 गेंद पर 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली जो बेकार गई। काइल मेयर्स 34 गेंद पर 35 रन का योगदान दिया। आंद्रे रसल 15 रन, अल्जारे जोसेफ 11 रन के दोहरे अंक तक पहुंच पाए। चाइना मैन गेंदबाज तबरेज शम्सी 3 विकेट, महाराज जॉनसन रबादा माकरम 1 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों, 136 रन के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत खराब रही। आंद्रे रसल दोनों सलामी बल्लेबाज को 15 रन के भीतर पवेलियन भेज दिया। दोस्तों, तभी वर्षा आई, खेल में बाधा डाली। साउथ अफ्रीका की टीम 17 ओवर में 123 रन का टारगेट मिला। वेस्टइंडीज की टीम कसी गेंदबाजी की साझेदारी नहीं बनने दिया। इसके बल्लेबाज छोटी छोटी पारियां खेलकर आउट हुए। नियमित अंतराल पर विकेट वेस्टइंडीज की टीम लेती रही। कम स्कोर होने के कारण यह मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम 3 विकेट से हार गई। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में वेस्टइंडीज की टीम बाहर हो गई। ग्रुप बी में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल्स के लिए प्रवेश कर लिया है। साउथ अफ्रीका की टीम को आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए था। मार्को जेनसन पहले ही गेंद पर छक्का जड़कर साउथ अफ्रीका की टीम को जीत दिलाकर सेमीफाइनल्स में एंट्री करवा दिया। दोस्तों, हार के बाद वेस्टइंडीज प्लेयर्स काफी ज्यादा इमोशनल फूट कर रोते हुए नजर आए। वहीं साउथ अफ्रीका टीम का क्रेजी सेलिब्रेशन सेमीफाइनल्स में जाने के बाद दिखाई दिया। दोस्तों, डेली हाइलाइट्स सभी प्रकार के अपडेट न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। जय हिंद।